वेलकम टू नई सुबह कहानी घर। कहानी घर नई सुबह टेल्स नरेटेड बाय निस्मा आलम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह कहानी घर में खुशामदीद। मैं हूँ निस्मा आलम और आज हम सुनेंगे कहानी कबूतर और चूहा। एक सरदार कबूतर अपने तमाम ग्रोह को लेकर कहीं हिजरत कर रहा था कि उनको एक जगह बहुत सारा दाना नजर आया। उन्होंने सोचा क्यों ना इस दरख्त पर ही हिजरत कर लें। लेकिन सरदार कबूतर ने फौरन ही खतरे को भांप लिया और तमाम कबूतरों को वहां उतरने से रोका। लेकिन तमाम कबूतर कहने लगे, हमारे रहनुमा, हम यहाँ पर क्यों नहीं उतर सकते? यहाँ पर तो दाना भी है, नहर का पानी भी है और दरख्त का साया भी है। हर तरीके से हमें यहाँ सहूलत हासिल है। सरदार कबूतर ने कहा, नहीं मेरे दोस्तों, यहाँ पे मुझे खतरा नजर आता है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे हमारा उतरना सही नहीं होगा। एक बुजुर्ग कबूतर ने कहा, जब यहाँ पर ऐसी हर चीज मौजूद है जो हमारे लिए फायदेमंद है, तो फिर इस वहम को पालने का क्या फायदा? सारे कबूतरों ने उस बुजुर्ग कबूतर की बात मानते हुए कहा, हाँ हम तो यहाँ पर उतर रहे हैं। और सरदार कबूतर की बात का इनकार किया और वहाँ पर उतर गए। वहाँ करीब में ही एक शिकारी बड़ा सा जाल लेकर बैठा हुआ था। जैसे ही देखा कि सारे कबूतर आ गए, उसने तमाम कबूतरों को अपने जाल डालकर फंसा लिया। अब कबूतर सारे बहुत उदास हुए कि हमने अपने रहनुमा की बात नहीं मानी। सरदार कबूतर को अपने एक दोस्त की याद आई जिसका नाम चूहा था। वो वहीं करीब में ही मौजूद था। चूहे ने कहा, ए कबूतर मेरे दोस्त, मैं तुम्हें सबसे पहले बाहर निकालूंगा। लेकिन सरदार कबूतर ने कहा, नहीं, पहले इन लोगों को निकालो, फिर मुझे निकालना। लेकिन वो इस बात पर बज़िद था, नहीं दोस्तों, तुम हो मेरे, तो मैं तुम्हें पहले निकालूंगा। सरदार कबूतर ने कहा, ये सब मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें कहता हूँ कि पहले इनको निकालो। चूहे ने सारे कबूतरों को बाहर निकाला और फिर आखिर में सरदार कबूतर को निकाला। सारे कबूतरों ने माफ़ी मांगी और चूहे का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमने अपने रहनुमा की बात नहीं मानी थी, इसीलिए हमें ये नुकसान हुआ। प्यारे दोस्तों, हमें भी इस कहानी से सबक मिलता है कि हमारे अम्मी अब्बू, हमारे बड़े हमारे रहनुमा होते हैं, इसीलिए हमें अपने रहनुमा अम्मी अब्बू की बात माननी चाहिए। नई सुबह कहानी घर में इतना ही। मिलते हैं फिर एक मजेदार नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।